अथर्ववेद के चौथे कांड का 16वां सूक्त प्रारंभ होता है। ऋषि ब्रह्मा देवता वरुणः छंद अनुष्टुप मंत्र संख्या 1 ओम व्रहन्ने शाम अधिष्ठाता अंतिका देव पश्यति य इस्तायन मन्यते चरण तत्सर्वं देवैदं विदुः। वह महान अधिष्ठाता परम ब्रह्म परमात्मा सबको समीपता से देख रहा है। स्थावर जंगम संपूर्ण जगत उस परमात्मा के ज्ञान का विषय बन रहा है। इस बात को समझने वाले लोग देववृत्ति के बनते चले जाते हैं। वे अज्ञान को त्याग कर ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे देवता ही बन जाते हैं। मंत्र संख्या 2 यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो नीलायम चरति यह प्रतंकम द्वौ सन्निषध्य यनमंत्र येते राजा तद्वेद वर्ण इस्त्र तीयह। वह परमात्मा हमारे सभी कार्यों को हमारे कर्मों को देख रहा है। हमारी कोई भी गुप्त मंत्रणा उससे छुपी हुई नहीं है। मंत्र संख्या 3 उतेयम भूमिर वर्णस्य राज्ञ उतासौ द्योर्वृहति दूरेयंता उतो समद्रौ वरुणस्य कुक्षि उतासमिन अल्प उदके निलीनः। यह पृथ्वी और द्युलोक दोनों ही उस सर्वाधार परम ब्रह्म परमात्मा के वश में हैं। पूर्व और पश्चिम समुद्र परमेश्वर के कुक्षियों के तुल्य हैं। छोटे छोटे तालाबों में जलों में भी वो परम ब्रह्म ही अंतर्हित रूपेण निवास करता है। सृष्टि के कण कण में वो ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। मंत्र संख्या 4 उत्यो ध्यामतिस पात पर स्थान स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः देव स्पशः प्र चरन्ति दमस्य सहस्त्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम। परमेश्वर की आंख से कोई बचकर भाग नहीं सकता। वो परमेश्वर हजार आंखों वाला सभी कुछ देख रहा है। मानो वो राजा है और सूर्य चंद्रमा उसके अनुचर हैं, गुप्तचर हैं, जो सारे संसार के कर्मों को देखते रहते हैं। मंत्र संख्या 5 सर्वं तद्राजा वरुणो विचष्टे यदंतरारोदसी यत परस्तात संख्यात अस्य निमिषो जानानाम अक्षानिव स्वग्नि नि मिनोतितानि। वो आदि पुरुष परम ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड को अंदर बाहर देख रहा है। मनुष्यों की पलकों की झपकों को भी वो ठीक प्रकार से नाप रहा है, अर्थात छोटी से छोटी क्रिया को भी वो परमेश्वर जान रहा है। मंत्र संख्या 6 ये ते पाशावरण सप्त सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विशिता रुषंतः छिनन्तु सर्वे अन्द्रतम वदन्तम यः सत्यवाद्यति तम स्रजन्तु। पापों को नष्ट करने वाला वह परमेश्वर पापियों को अपने पाश से बांधता है और सत्पुरुषों को साधकों को सज्जन लोगों को अपने निकट करता है। सत्यवादी लोगों को वो कभी बंधन में नहीं डालता।
वह शरीर मन बुद्धि चित्त ज्ञान इंद्रिय और प्राणों में समाया हुआ है। मंत्र संख्या 7 शतेन पाशैरवे देहि वरुणैनम माते मोच्य नृतवाड नृचक्षः आस्ताम जालम उदरम शिरंस यित्वा कोश इव बंधः परिकृत्यमानः। पापों का निवारण करने वाला वो परम ब्रह्म मिथ्यावादी पुरुषों को सैकड़ों बंधनों से बांधता है। मनुष्यों के कर्मों का वो दृष्टा है। दुष्ट लोगों को वो उनकी दुष्टता का दंड देता है। मंत्र संख्या 8 यह समाम्यो वरुणो यो व्याम्यो यह संदेशयो वरुणो यो विदेश्यः यो दैवो वरुणो यश्च मानुषः। मनुष्य अपने पापों के कारण दुख के बंधनों से बांधे जाते हैं। उस परमात्मा के अनेक पीड़ादायक पाश हैं। सूर्य चंद्रमा आदि देवों के द्वारा होने वाले कष्ट भी उस परमात्मा के पाश ही हैं। अशुद्ध आत्मा वाले दुष्ट कर्मों को करने वाले पुरुष इन बंधनों में पड़ते हैं। सत्य के प्रकाश में चलने वाले सत्पुरुष कभी इन बंधनों में नहीं पड़ते। मंत्र संख्या 9 तय इस्तव सर्वैरवि श्यामे पाशैर सावामुष्य यणामुष्यः पुत्र तानुते सर्वान नुसंदि श्यामे। हम किसी से शत्रुता ना करें और ना बंधनों में बांधे जाएं। जो शत्रुता करने वाले लोग हैं वे दंडित होते ही हैं। वे उस प्रभु परमेश्वर के पाशों में बंधकर कष्ट पाते हैं। हम किसी से शत्रुता ना करें। संसार में हरेक मनुष्य हरेक प्राणी की सेवा में अपने को अर्पित करें। ये ही जीवन का सार है, उच्च अवस्था है। अथर्ववेद के 4th कांड का 16th सूक्त समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।